एक नंबर ऑफ जीरो निकालना, एक गुने तीन गुने पाँच गुने डॉट डॉट डॉट, लास्ट में डॉट 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 तक है 999। तो नंबर ऑफ जीरो जीरो होगा, क्योंकि जीरो किससे बनता है, दो गुने पाँच से। यहाँ पर विषम संख्या रहा, यानी कि विषम संख्या एक प्रकार से कह सकते हैं आ रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार गुने, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो निकालना है डॉट डॉट 924 तक। चलिए तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, चार, चार कॉमन ले लेंगे। तो एक गुने दो गुने डॉट डॉट, चार दूना आठ, चार तिया बारह, चार एक चार, यानी 231 तक है, यही ना 231 तक, कितना तक है 231 तक है। अब देखिए तो सिंपल है, 231 में 5 से भाग लगा दीजिएगा, जो आएगा वो आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। जैसे भी हम बतलाएंगे, 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 4 पंच 20 और 6 पंच 30, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 9 पंच 45, फिर इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो सब को जोड़ देंगे तीनों के, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 10 6 56, 56 नंबर ऑफ जीरो की संख्या 56 होगा, क्योंकि इसमें दो की संख्या ज़्यादा हो गया, इसीलिए हम 5 से भाग लगाए हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए जैसे एक गुने दो गुने तीन गुने डॉट गुने 100 तक है, कहाँ तक 100 तक है। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, 100 में 5 का भाग लगाएंगे, क्योंकि दो की संख्या ज़्यादा आ गया, इसलिए हम 5 का भाग लगाएंगे। तो लगाएंगे तो 20 पाँच 100, फिर 5 से लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, उसको छोड़ देना है, इधर जो आएगा उसको जोड़ देना है। तो 24 नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 24 हो जाएगा। सिंपल आपको इस प्रकार से याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरो आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आगे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है 5 गुने 10 गुने डॉट 200 तक। अब देखिए यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे, तो 1 गुने 2 गुने डॉट 5 कॉमन लेंगे तो 4 5 20 40 आएगा। अब इसमें नंबर ऑफ 2 के भाग लगाएंगे, बिकॉज 5 के पावर यहाँ पर जाता है, यानी कितना बार आ गया 40, फिर तो 5 के पावर 40 हो जाएगा, तो 5 की संख्या इससे भी ज़्यादा है तो 0 है, तो इसलिए 2 के 40 में 2 के भाग लगाएंगे, तो 2 के लगाएंगे तो 20 आएगा, फिर 2 के लगाएंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 आएगा, 2 से लगाएंगे तो 5 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा। अभी सबको जोड़ देंगे, देखें 30 38 नंबर ऑफ जीरो 38 हो जाएगा, समझ में आया, नंबर ऑफ जीरो 38 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 38 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, जैसे बोलता है यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 डॉट डॉट, लास्ट में लिख देता है 81 82 83, ये बीच में डॉट डॉट है, 1 2 3 डॉट डॉट। अब देखिए तो 16 से डिविजिट भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 16 से डिविजिट करने लास्ट का 4 डिजिट, यानी 82 83 16 से डिवी 16 85 2 28 चल जाएगा, 16 14 एंड 16 4 12 123 आ जाएगा, 123 में 16 के पढ़ा 16 7 112 112 घटा दीजिएगा तो 112 घटाएगा तो 11, यानी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 11 आएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 4 के मतलब होता है 16, इसीलिए हम 4 लास्ट का 4 डिजिट में भाग दिए हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3, जैसे 8 का देखना है, 8 के देखना है तो 8 के देखना है तो क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, चाहे 2 के पावर 3 होता है, इसीलिए ऐसे आप कर चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया, चलिए